नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ का 100% दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझा कर आपको मतलब कि मैं याद करा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देख कर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो। ये दोस्तों 100% इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऊपर रूट दो है, नीचे रूट दो है। तो रूट दो कट जाएगा तो ऊपर में केवल दो बचेगा और दो दोस्तों आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी अंक रूट में रहता है और उसका वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा, लेकिन अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय रहेगा। तो ये दोस्तों हमारा दो जो है ना वो रूट से बाहर है, इसलिए हमारा परिमेय होगा। तो आपका बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कहता है ना कि ए बी का लौसा और ए बी का मौसा किसके बराबर होता है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, एच सी एफ गुणे एल सी एम, एच सी एफ गुणे एल सी एम बराबर में होता है दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एल सी एम गुणे एच सी एफ बराबर में हो जाएगा ए गुणे बी। तो ए गुणे बी आपको सी नंबर में दिया गया होगा, तो सी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों तीन नंबर है। दोस्तों अगर आप लोग मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हो या फिर आप लोगों का मैथ कमजोर है मजबूत करना चाहते हो, तो डेली शाम को 6:30 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, मैं आपको क्लास दूंगा। अगर उससे भी नहीं होगा तो ये दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, आप इस नंबर पर ना SMS कर देना अपना नाम लेकर। जैसे ही आप अपना नाम लेकर SMS करेंगे ना, तो इधर से हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और उसी ग्रुप में आपको बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। कब क्लास होता है, कितने बजे होता है, क्या क्या पढ़ाई होता है, सब उस ग्रुप में आपको मैं भेजता हूँ, ठीक है ना। तो इस नंबर को नोट करके SMS हमारे पास आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है। जिस बहुपद का दोस्तों घात एक हो, यानी कि घात अगर एक है ना, तो आपका रैखिक बहुपद दोस्तों कहलाता है। सी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका चार नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना चार नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का घात दोस्तों पता है क्या होता है, तीन होता है। त्रिघात बहुपद का घात तीन होता है और इसका व्यापक रूप दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया है। इसको याद करना पड़ेगा, ax² + bx³ + cx + d, ये त्रिघात बहुपद का दोस्तों व्यापक रूप होता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए पाँच नंबर। ये क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। आप सभी को दोस्तों पता है ना कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो हमारे पास दोस्तों P का मान 3 है और H का मान दोस्तों हमारे पास 4 है, और cos A का मान निकालना है, और cos A बराबर आपको पता है B/ क्या होता है, तो B/ दोस्तों H होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है, H का तो मान आपको पता है 4 हो जाएगा, लेकिन B का मान नहीं पता है। तो क्या B का मान 3 होगा, तो 3 तो और 4 तो होगा नहीं, क्योंकि P का मान 3 है और H का मान 4 है। अब आपके पास ऑप्शन में केवल 7 है ना, √7, तो √7 ही ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे 4 तो ऑलरेडी आपको पता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा √7/4। आप इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका छः नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों है, tan θ बराबर है। दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, cot 90 - θ tan θ का बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है सात नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष से, तो आप एक्स को छोड़ दो, वाई में चले जाओ। मानते हैं दोस्तों कोई बिंदु x, y है, तो कहेगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो एक्स को आप लोग छोड़ देना, वाई में चले जाना। अगर एक्स अक्ष कहेगा तो वाई में चले जाना, और वाई का दोस्तों तीन को नाम होता है, वाई को कोटि भी कहते हैं, वाई नियामक भी कहते हैं, वाई निर्देशांक भी कहते हैं। तीनों में से जो भी आंसर होगा आप दे सकते हो, लेकिन अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष कहेगा तो एक्स में ढूंढना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में
कोटि दिया है। इसके अलावा और दो नाम है जो यहाँ पर दिया नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो पाई आर स्क्वायर दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सी नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है, ए नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 10 नंबर, ये क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब हम लोगों को HCF निकालना होता है। HCF मतलब कि मोशन निकालते समय ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका मोशन ही आंसर होगा, लॉसन नहीं होगा, केवल मोशन होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे भी दोस्तों जाएगा अनंत तक, ये दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है पाँचों को पूर्ण संख्या लेना है, उसका माध्य निकालना है। तो 5 को लेना है तो सबसे पहले 5 से भाग देना होगा। तो 5 को कौन कौन लीजिएगा, एगो 0 ले लीजिए और एगो इसमें जोड़ते जाइएगा, एगो 1 ले लीजिए, एगो 2 ले लीजिए, एगो 3 ले लीजिए, एगो 4 ले लीजिए। अब यहीं तक रुक जाइए, आपका 5 को हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया ना। अब इन दोनों को जोड़िए, सबको जोड़िए तो 6, 4, 3, 2, 6, 6, 4, 10 मिलेगा, 10/5 मिलेगा, 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, तो दो ही आपका आंसर बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 के रूप में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? मतलब कि दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा दोस्तों यहाँ पर आप क्षेत्रफल का हमेशा अनुपात कितना दिया, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 अनुपात में, और त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है। तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, त्रिज्या स्क्वायर में नहीं रहता है। तो दोस्तों त्रिज्या निकालने के लिए क्या करिएगा ना, इन दोनों को रूट में कर दीजिए, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 1 का 1 निकल जाएगा, तो त्रिज्या आपका मिल गया 2:1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी नंबर में दिया है यही हो जाएगा आपका आंसर, बहुत आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर आपका, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पर हमारा tan थीटा बराबर कितना दिया है, 3/√3, तो थीटा का मान क्या होगा? चूँकि दोस्तों tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3/√3, तो 3/√3 दोस्तों tan 60 का मान होता है, tan 60 का ही नहीं बल्कि cot 30 का भी होता है। तो tan हम इसलिए लिखे हैं ताकि इधर से tan, इधर से tan कट जाए और इधर का थीटा और इधर का 60 डिग्री आपस में बराबर मिल जाए, तो थीटा का मान 60 डिग्री दोस्तों अब कहलाएगा। तो आंसर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि यहाँ पर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है, फिर प्लस में 1, फिर बाटा में cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस में 1/2। इसको बनाइएगा ऊपर 1/2 प्लस 1 जोड़िएगा तो 3/2 मिलेगा, और नीचे आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1 है ना दोस्तों, यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, ये आपका नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही है ना, केवल आपका एक ही है दोस्तों, वहाँ पर माइनस में आपका एक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आप 1/2 में से 1 घटाइएगा तो माइनस में 1/2 मिलेगा। अब 2/2 कट गया तो ऊपर में आपका 3 बचेगा, नीचे में बाटा में माइनस 1 बचेगा। 3/-1 बराबर में क्या होता है, बराबर में आपका माइनस 3 होता है, और माइनस 3 बी नंबर में आपका दिया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x)² + bx + 1 के मूल 1/(α)1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान निकाले। तो सबसे पहले a का मान निकालिएगा, तो x² का गुणांक दोस्तों 1 छुपा हुआ है, 1 हो जाएगा। b का मान दोस्तों x के पीछे 1 छुपा हुआ है, 1 हो जाएगा। c का भी मान दोस्तों 1 हो जाएगा। अब आपको मान निकालना है 1/α + 1/β। 1/α + 1/β का डायरेक्ट फार्मूला होता है b/-b दोस्तों c। तो माइनस है तो माइनस, b का मान 1 है तो 1, और c का मान 1 है तो 1। 1/1 यानी कि -1/1 यानी कि -1 आपका सही उत्तर b नंबर वाला होगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और -15 है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद क्या होगा आपको ज्ञात करना है। दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x²-α+β (x) और प्लस में होता है α×β। ये दोस्तों हमारा x² मिल जाएगा माइनस α+β, यानी कि योगफल आपका 2 दिया है तो 2x हो जाएगा, और गुणनफल कितना दिया -15, तो यहाँ पर आपका -15 हो गया। तो ये देख लीजिए x²-2x - 15 देखो डी नंबर में दिया है, तो डी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ठीक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा कैसे हो गया दोस्तों, साइज मैंने ऑलरेडी चूज नहीं किया अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिंदु क्यू से किस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों कोई मेरे पास वृत्त है और बिंदु क्यू से ना, बिंदु यहाँ पर क्यू बिंदु है और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू से ना, क्यू से केंद्र की दूरी, तो यहाँ पर केंद्र है ना, इसकी दूरी दोस्तों कितना है तो 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपका त्रिज्या है ना, इसी को आपको मान ज्ञात करना है, इसको पी मान लीजिए, इसको ये मान लीजिए, तो ये आपका आर का काम करेगा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका मिलेगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा बी नंबर मिलेगा, ए नंबर मिलेगा, क्योंकि आर का मान निकालिएगा ना तो अंडर रूट में 25 का स्क्वायर (625) - 24 का स्क्वायर (576), जब इसको घटाइएगा ना तो आपका मिलेगा 15 में 6 हो गया 9, यानी कि 49 मिलेगा दोस्तों। अब 49 का वर्गमूल आपको पता है 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, बिंदु -4.3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4 में -3 में +, तो माइनस प्लस तो द्वितीय में होता है ना, द्वितीय में होता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड आपका क्वाड्रेंट हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। तो पहला में ++ होता है, दूसरा में -+ होता है, तीसरा में -+ होता है, चौथा में +- होता है। तो दूसरा में आपका -+ है ना, तो मतलब कि दूसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है ना निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये क्वेश्चन दो बार आ गया, ऊपर रूट दो नीचे रूट दो कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है ना निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद दोस्तों नहीं है, बहुपद नहीं है दोस्तों, एक बात याद रखना, बहुपद पहचाने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, अगर दोस्तों चर मान का पावर अगर माइनस में रहता है 2 या -3 या -2 तो वो दोस्तों हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान बाटा में रहे तब भी बहुपद नहीं होगा, अगर चर मान रूट में रहे तब भी बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, चर मान बाटा में आ चुका है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बाकी सब देख लीजिए ना ही रूट में है, ना ही पावर माइनस में है, ना ही चर मान बाटा में है, लेकिन सी नंबर वाला चर मान बाटा में है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिए, बोर्ड पर अच्छे से समझ कर पढ़ाई करना चाहते हैं एकदम जीरो से बढ़िया से, तो शाम 6:30 बजे मिलिएगा, जो नंबर दिया था उसको नोट करके उस पर SMS कर देना, ताकि मैं आपको ग्रुप में वो लिंक भेज सकूँ जिससे आप पढ़ाई कर सको। ओके।